अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों आप देख रहे हैं जस्ट बी टेक और बैंक शफी के। मैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो के मुताल्लिक, जो कि यूट्यूब से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे है, कैसे क्या करना है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें एनालिटिक्स किस तरह है, तो वो सभी इस वीडियो में मुकम्मल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, मैं क्रोम ब्राउजर को जो है ओपन कर लेता हूं, चाहे कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। आपने लिखना क्या है, business.facebook.com/creator/studio प्रेस कर देना है इंटर का बटन। उसके बाद जो है यह साइन अप या साइन इन मांगेगा, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है लॉग इन और साइन अप। कैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप लॉग इन कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा जो क्रिएटर स्टूडियो है वो खुल चुका है, और इसमें तमाम के तमाम फीचर्स किस तरह है वो बाकायदा हम तरतीब से देखते हैं। सबसे पहले होम का ऑप्शन है, होम पर भी ये नहीं खोल रहा, नीचे पोस्ट आनी है, जो मैंने वीडियोस डाली हुई है, जो कुछ भी डाला हुआ यहाँ पर वो आएगा। सबसे पहले है पोस्टिंग, होम पोस्टिंग। आप यहाँ पर पोस्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर अगर आपके काफी सारे पेज हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे आप इसमें पब्लिश। यहाँ पर है मेरा पेज जस्ट बी टैग, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सिलेक्ट करूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिख कर पोस्ट कर सकता हूँ, या वीडियो या फोटोज पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो है, फोटोज है, काफी लाइव फीचर भी इसमें है। उसके बाद दोस्तों ये है गो लाइव, जैसे आप क्लिक करेंगे फेसबुक पेज को सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट आप लाइव भी जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरतीब से बिल्कुल खूबसूरत वे में ये आपकी पोस्ट पड़ी हुई है, कुछ भी आप कर सकते हैं। और मजे की बात दोस्तों इसमें है कॉन्टेंट लाइब्रेरी भी आपको दिखाता हूँ, दूसरे नंबर पर है ये, होम के बाद दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीचर नया है इसमें, Not a refer file, reference file मतलब ये किसी की फाइल नहीं, मेरी जाती फाइल है। Not a cross post और not boosted मतलब मैंने इस पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, और ये not monetized है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था अभी तक मैं एलिजिबल नहीं हूँ इनके थ्रेशोल्ड पर। इसके बाद आता है इनसाइट, जिसे हम कह सकते हैं एनालिटिक्स। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं 7 days का है, 1 day, yesterday, कोई भी आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस है, ये हम सिलेक्ट की हुई है, लॉयल्टी भी है, और इसके बाद हम करेंगे अर्निंग्स पे आ जाते हैं। इतने क्योंकि अभी तक मेरी आन नहीं हुई तभी ये, जिसकी वजह से ये शो नहीं करवा रहा। उसके बाद आता है होम इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है, ये जी मैसेज जो आते हैं वही, मैसेंजर से भी कोई नहीं आया हुआ और इससे भी कोई नहीं आया हुआ और इंस्टाग्राम से भी कोई नहीं आया हुआ। उसके बाद आ जाता है जी राइट्स मैनेजर। राइट्स मैनेजर क्या है जी, ये कॉपीराइट वगैरह होते हैं इस तरह के, अगर किसी को आप भेजना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये नीचे वाला फंक्शन है पेजेस का, मतलब एक से ज्यादा अगर आपके पेज हैं, ये मैंने एक रखा हुआ है, वैसे मेरे 4-5 पेज हैं तो मैंने एक ही सेट किया हुआ है इस पोर्शन में। और उसके बाद आता है साउंड कलेक्शन, ये जो मुझे सबसे बहुत ही अच्छा लगा है, जबरदस्त है, नॉट कॉपीराइटेड म्यूजिक है ये, कोई भी बंदा इसको उठाकर अपनी वीडियो में डाल सकता है, कोई भी इफेक्ट इससे सर्च कर सकता है, जिसे मैं सर्च करता हूँ फनी। दोस्तों ये फनी मैंने सर्च किया है, उसके बाद ये काफी सारी आ गई हैं, हम एक इनमें से चलाकर देख लेते हैं, प्ले करके देख लेते हैं। तो जी दोस्तों ये था हमारा साउंड इफेक्ट। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये है प्रोफाइल और ऑफ रोड ड्राइव, मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन एंड्रॉइड की ऐड की हुई है या कुछ भी है तो वो इसमें होता है, तमाम के तमाम पोर्शन है। और फेसबुक पर भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, और यहां पर देखें तो ये नोटिफिकेशन के लिए अलग से है, और ये रहे दोस्तों टर्म्स और प्राइवेसी भी इसमें ऐड है। आई होप कि आज की हमारी ये वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।